आपको सुना और हम लोग के बीच अब हमारे भाई डीपी जी से आग्रह करेंगे कि मंच पर आकर के दो शब्द रखे। सलाह पंचायत के मुखिया और सहदेई प्रखंड के डीपी जी हम लोग के बीच आकर के दो शब्द रखेंगे। सबसे पहले एक बात जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। तो यही चीजें हुई है, जनता ने हाथ पकड़ा है मुझे और यहां तक पहुंचा दिया है। यहां पर जितने भी उपस्थित हैं हमारे गार्जियन और जो भी मुखिया जी जीत कर आए हैं सबको मेरा प्रणाम है, हमारे छोटे भाई को आशीर्वाद है। मैं एक शिक्षक था और राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं था। मैं पढ़ाता था बैंकिंग, SSC, रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को और मैं मैथ पढ़ाता था। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लॉकडाउन से, जब मैंने चीजों को देखा कि नल जल, सबसे ज्यादा मुझे नल जल योजना जो है प्रभावित किया, जब मैं उसमें देख रहा था हमारे पंचायत में जो काम हुए थे कि सब जगह पानी बह रहा है, नाला नाली की स्थिति सही नहीं है, तब जाके पहले मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। मैं सच बोलूं, मैंने लोकसभा चुनाव में 2014 में वोट डाला था, उसके बाद इस बार विधानसभा में और इस बार मुखिया, इसके बीच में वोट भी नहीं डाले जाता था, इसलिए मैं सोचता था ना कि सब मुखिया जी तो वैसे होता है, कोई नेता बनेगा तो वही बात है, बिहार का जो स्थिति है वही रहेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं समाज में रहना शुरू किया लगातार 3 साल से, तब मुझे दिखने लगा कि नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो हमारी भी जिम्मेवारी अपने समाज के प्रति है। और ये चीज मुझे जब समझ में आने लगा तो मैं उस पर लग गया और खुद से काम करना शुरू किया। मैं अपने मुखिया जी को नहीं कोसता था, उनको नहीं कहता था कि भाई ये काम आप क्यों नहीं करते, मैं खुद करता था। मैंने समझा कि ये मेरी जिम्मेवारी है और जहां कहीं धन की जरूरत हो, हमारे शरीर की जरूरत हो, मैंने हर जगह लगाया है और आज मैंने उनको हराया है जो कभी हारे ही नहीं थे। जब मैं 10 साल के था तो वो पहली बार चुनाव जीते थे और आज मैं 30 साल का हूं तो पहली बार वो हारे हैं। सबसे पहले मैं उस पंचायत के जनता को धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा जो मुझे समझे। मैंने अपनी बात उनके सामने रखा तो उन्हें समझ में आया कि भाई उनका जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। और आप सभी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मेरे जीत में सिर्फ मेरे पंचायत के लोगों का योगदान नहीं, बाहर के लोगों का भी योगदान है, क्योंकि आज 36 लाख विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं यूट्यूब पर। तो जिस किसी का भी रिश्तेदार मेरे पंचायत में था वो अपने रिश्तेदार को फोन करके कहते थे कि विपिन सर को जिताइए, विपिन सर को वोट दीजिए, एक शिक्षित आदमी है, समाज सेवी है, लोगों का काम करते हैं। सच पूछिए ना, तो मैंने एक ढक्कन किसी को दारू पिलाया और ना ही एक वोट खरीदा और फिर भी 1801 वोट लाकर मैं सलाह पंचायत का मुखिया बना हूं। कई लोग मुझे कहते थे कि पढ़ा लिखा आदमी के ऐसा क्षेत्र न हो, राजनीति में कल्ला पड़े छ, पागल हता कि तू, भले तू अपन दुनिया में रह, पर अवैध लिखवैत रहो, इस सब क्षेत्र में ना पड़। और कुछ लोग कहते थे कि लौंडा छोंडा कहीं मुखिया बनेगा तो वो बातें सब कुछ अलग हो गई, वो विचारधारा अलग हो गया। मैं इतना ही समझता था कि अधिक पावर अधिक पैसा, ये जान लीजिए कि विकास का सूचक भी होता है। अगर आपके शरीर में अधिक ताकत है, आपके पास अधिक पावर है और उसका घमंड है, आपको आपको लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता। एक मुखिया, मुखिया शब्द से लोग समझते थे कि मुखिया है मतलब दबंग है, वो चीजें अब बदल गई है और इस बार के चुनाव में आप लोगों को नजर आया भी होगा। जो मुखिया जी बार बार फोन करके या कोई भी प्रतिनिधि
तू ओकरा पीछे काहे है, तू ओकरा साथ मीटिंग काहे किया, वो सब हार गए, क्योंकि ये दो हाथ उठा के आप दो लोग चार लोगों से जीत सकते हैं, लेकिन दो हाथ जोड़ के पूरी दुनिया से जीत सकते हैं। सच्चाई ये, और जनता अब यही समझती है। और अब हम चुकी